लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम को भेजे 80 चिकित्सा अधिकारियों के पत्र। प्रांतीय चिकित्सा सेवा एसोसिएशन ने भेजे हैं पत्र। दस्तावेजों की पड़ताल कर तबादला निरस्त करने की मांग की गई है। तबादले में गड़बड़ी के चलते उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। स्वास्थ्य विभाग में तबादले पर करीब 400 से ज्यादा भेजे गए आवेदन। प्रांतीय चिकित्सा सेवा एसोसिएशन ने भेजे आवेदन। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम को भेजे गए 80 चिकित्सा अधिकारियों के पत्र। प्रांतीय चिकित्सा सेवा एसोसिएशन ने भेजे आवेदन। दस्तावेजों की पड़ताल कर इन तबादलों को रद्द करने की मांग की गई है और साथ ही साथ 400 से ज्यादा आवेदन भेजे गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी जी, बात अगर हम तबादलों की करें तो जब से ये तबादले हुए हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर यूपी सरकार में हमने हलचल भी देखी, कई सारी चीजें हमें उस दौरान देखने को मिली थी। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसको लेकर सीएम से बातचीत की थी। पत्र का एक दौर जो हम कह सकते हैं शुरू हो गया है, चाहे वो दिनेश खटिक द्वारा पत्र लिखा गया हो या फिर जतन प्रसाद द्वारा लिखा गया हो, डिप्टी सीएम द्वारा लिखा गया हो, और अब इन तबादलों को लेकर प्रांतीय चिकित्सा सेवा एसोसिएशन के द्वारा पत्र लिखा गया है डिप्टी सीएम को कि इन तबादलों को रद्द किया जाए। बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा था कि जब शिकायत हुई है, पेपर पत्र लीक हुआ था और उसके बाद फिर शिकायत हुई, जांच हुई और मुख्यमंत्री ने एक हाई कमेटी जांच का गठन किया था। 3 लोगों का 2 दिन के भीतर जो है जांच रिपोर्ट आनी थी, दोषियों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन इन सब को गुजरे हुए एक पखवाड़े से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। उसके बाद भी रह रह कर जो है तबादलों का दर्द बाहर आ रहा है। प्रांतीय सेवा चिकित्सा एसोसिएशन है, ये एक संगठन है जिसकी मार्फत जो स्वास्थ्य विभाग में लोग काम करते हैं वो अपनी बात रखते हैं शासन और प्रशासन तक। तो अब तक कुल टोटल 400 से ज्यादा लोगों ने अपने तबादलों को रद्द करने की रिक्वेस्ट भेजी है। उसी कड़ी में आज सुबह 80 और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अलग अलग जो हैं वो कैडर के लोग हैं, उन्होंने भी डिप्टी सीएम को अपने तबादलों को रद्द करने की बात कही है, लेकिन एक चिकित्सा एसोसिएशन के मार्फत कही है। निश्चित तौर के ऊपर अब देखना यही होगा, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के तबादले रद्द हुए, कुछ लोगों के तबादलों को रद्द नहीं किया गया है। भारी संख्या में गड़बड़ियों की खुद आशंका जो है डिप्टी सीएम ने जताई थी। हाई लेवल की जो जांच कमेटी हुई है, जांच कमेटी थी, जो जांच रिपोर्ट आई है उस पर भी जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार उंगलियां उठा रहे हैं। बहुत सारा जो छेद है, जो बहुत सारी कमियां हैं इस पूरी जांच में, वो लोग जो हैं वो सामने गिना रहे हैं और उन्हीं कमियों को आधार बनाकर एक बार फिर 80 लोगों ने अपने तबादलों को रद्द करने की मांग की है। बेहतर यही होता जो अगर हम स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की बात करें या हम जो लोग इससे पूरी तरीके से जुड़े हुए उनकी बात करें तो उनको सबको ऐसा ही लगता है कि एक बार जब गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी में बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, तो बेहतर होता कि जितने तबादले हुए हैं उन सभी तबादलों को रद्द करके इस प्रक्रिया को फिर से किया जाता। लेकिन ऐसा ना करके कुछ लोगों के तबादले रद्द किए गए हैं और कुछ लोगों के तबादले नहीं रद्द किए गए हैं, तो ये सब उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। देखना यही होगा कि ये जो पूरा तबादलों पे बमचक है ये कब शांत होता है और इसका जो रिजल्ट जी। देखिए इस पत्र में उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और कहीं ना कहीं हम हमेशा देखते हैं कि जो छोटी मछलियां होती हैं उन पर तो कार्रवाई कर दी जाती है लेकिन जो बड़ी मछलियां होती हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, और ऐसे में उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही, तो क्या लगता है कि कार्रवाई हो पाएगी? ये जो पूरा तबादलों को लेकर जो पूरा एक रणनीति बनाई गई, क्या इस पर कुछ जांच हो पाएगी या इस पर कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए जो हाई वैक्यूम था, अगर सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर बड़ी कार्रवाई होनी होती तो वो अब तक हो चुकी होती। जिस तरीके से बमचक मचा था, जिस तरीके से पूरा जो तबादले थे वो शक के दायरे में आए थे, खुद विभाग के मुखिया ने उस पर जो है उंगली उठाई थी, उसको देखने के बाद चाहे दोषी कोई भी होता, जितना बड़ा अधिकारी होता उतने बड़ा उसको दंड दिया जाता,
तो निश्चित तौर के ऊपर आज 1 हफ्ते 10 दिन के बाद भी अगर हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे होते। तो जाहिर सी बात है, रस्सी अभी सुलग रही है, धुआं अभी उठ रहा है, आग कहीं जल रही है और कुछ लोग इस आग को हवा देने में मशगूल हैं। देखना यही होगा कि आग कब बुझती है, रस्सी कब सुलगना बंद होती है और जो धुआं है तबादलों का वो कब उठना बंद होता है। बिल्कुल छवि जी, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पे होती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादले को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और देखना होगा कि इसमें किस तरीके से कार्रवाई की जाती है।